हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए ग्रुप डी का फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो इसमें ऑप्शन ए है अपवर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण और सी परावर्तन के कारण, डी है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर यह है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रतिपदा, दूसरा है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन और पूर्णिमा को, उसके बाद है किसी भी दिन। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है इसका प्रतिपदा। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा के दिन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक काल्पनिक उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर है काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसकी युक्ति क्या है, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर है ग्रीन वाला। देखिए जो ग्रीन रहे फ्रेंड्स वो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उल्टा सीधा, सीधा और उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, उल्टा, उल्टा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वस्त्र की मात्रा बदलने पर क्या अपिवर्तित रहेगा, क्या अपवर्तित रहेगा, तो आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या भार। तो इसका राइट आंसर क्या है, घनत्व। देखिए वस्त्र की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा, तो इसका घनत्व राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, घटता है या 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है या दुगना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर इज करेक्ट, ये दुगना हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसे, उसकी गति होती है, बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है या घटती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, बर्फ पे जब दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या अपवर्तित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है घट जाएगा। देखिए ग्रीन वाला करेक्ट आंसर है, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।